और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। गुलाबी नगर जयपुर के शास्त्री नगर में स्थित जेडी पैरी डॉट के नाम से सैलून चर्चाओं में शुमार है। यह सैलून हेयर कट से लेकर गंजेपन को दूर करने जैसी सभी सुविधाएं कम चार्जेस में उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार और राजनीति के दिग्गजों को भी हेयर कट दे चुके जाहिद अहमद ने अपने विचार साझा किए। देखिए क्या बोले। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर क्षेत्र में जेडी पैरीडॉट के नाम से सैलून चर्चा में शुमार है। इस सैलून की खासियत ये है कि बॉलीवुड व राजनीति के जाने माने चेहरे जो जेडी पैरीडॉट सैलून के ओनर जाहिद अहमद से हेयर कट करवाते हैं। जाहिद अहमद अपने 30 साल के अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति की हेयर स्टाइल उसके फेस के अकॉर्डिंग ही हमारे द्वारा सेट किया जाता है। जैसा हमारा भेस वैसी हमारी हेयर स्टाइल, तो हम अपने आप को बना सकते हैं स्मार्ट। साथ ही कहा कि टाइफाइड, हाई डोज मेडिसिन, हार्मोन्स की कमी, लोकल डाई उपयोग करने व बिना रूमाल हेलमेट लगाने से बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। बाल झड़ने की समस्या को हल्के में ना ले, खाने में कलौजी, हरी सब्जियां और दूध ले, विटामिन सी विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में ले। आपको बता दें कि इस सैलून में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें हेयर स्टाइल से लेकर गंजेपन को दूर करने के लिए हेयर विक की सुविधा व लेडीज एवं जेंट्स के हेयर से रिलेटेड एलोपेसिया ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप, मोलेस रिमूवल, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, हेयर विविंग और क्लिपिंग, इंडियन विक्स, हेयर बॉन्डिंग, विक्स मैन्युफैक्चरर जैसी सुविधा उपलब्ध करा रहा है जेडी पैरीडॉट सैलून। कब से चलता है और क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज हैं? यहाँ पे है ना काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 16-17 साल हो गई। इससे पहले मेरा मोडेज के नाम से हुआ करता था और वो जो है उसके बाद मैंने दूसरा सैलून बनाया, तो ये मैंने पैरीडॉट के नाम से बनाया है। तो काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ पे लोगों का प्यार भी काफ़ी मिला है मुझे, और उनसे उम्मीद यही है कि आगे भी मिलता रहे। और आज भी बहुत प्यार मिलता है और काफ़ी उन लोगों ने मेरे को आगे सहयोग किया, बढ़ाया, और जो भी हूँ आज मैं उन सब भाइयों की वजह से ही हूँ। क्योंकि कला को जो ना हम लोग कभी भी ये सोचें कि भाई हम अपने बड़े कलाकार हैं, कलाकार को तो हमें जो जहाँ तक बड़ा बनाती है वो आम पब्लिक बनाती है, और वही जानते हैं कि भाई ये कलाकार है या नहीं है। मैं कहने लगूँ कि मैं कलाकार हूँ तो ऐसा नहीं है, उनके प्यार से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि सैलून की लाइन में आप कब से हैं? मेरे को कम से कम 30 से 32 साल हो गई है, और काफ़ी छोटा था मैं और स्ट्रगल भी बहुत किया है मैंने। 7 साल की उम्र से मैं काम करता आ रहा हूँ और इस लाइन में नहीं था, उससे पहले और भी काम किए हैं, बहुत गरीबी हालत देखी है मैंने और बहुत गरीबी हालत से गुजरा भी हूँ। तो सभी जानते हैं कि भाई पहले इतना पढ़ाई, इतना सब कुछ नहीं था, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा इतना हूँ नहीं। हाँ, ये है मेरे हुनर ने मुझे आगे तक पहुँचाया और आज अपने हुनर के काबिलियत से मैं यहाँ तक हूँ। किस तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे कस्टमर साथ में के लिए? फैसिलिटी डिपेंड करता है भी क्लाइंट क्या चाहता है क्या नहीं, और उसके फेस की अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल बनाना और उसके फेस के हिसाब से सब सेट करना। मेरा जो सोच यही रहती है कि मैं बेटर से बेटर करूं, और मेन चीज़ मेरे माइंड में यही चलती रहती है कि भाई इनको हेयर स्टाइल फेस के हिसाब से ही देना है, अलग कुछ नहीं। मेल फीमेल दोनों का रहता है आपके यहाँ? हाँ, फीमेल दोनों है, मेल फीमेल दोनों का है, और काफ़ी टाइम से मैं करता आ रहा हूँ, और मैंने जावेद हबीब साहब के साथ भी मैंने काम किया है। वहाँ पे मैं काफ़ी है ना 3-4 साल रहा हूँ उनके साथ में, जॉब करता था वहाँ पर। और उसके बाद शहनाज हुसैन है जो अपने खान मार्केट के अंदर है, वहाँ भी मैंने काम किया है। तो काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद उससे पहले मैं बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में भी काम किया है। काफ़ी जगह काम करने के बाद फिर मैं अपना ये कारोबार किया है, और मैं अपने कारोबार से ही थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। अक्सर देखा जाता है कि बालों की झड़ने की समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके जो है प्रॉब्लम हमारी खुद की होती हैं। क्या होता है कि हम लोग तरह तरह का शैम्पू, तरह तरह के साबुन, जैसे जिसने बोल दिया वैसे यूज़ कर लिया,